सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजल्ट जारी होने के बाद अपनी कॉपी को रीचेक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, उनको अब अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई की ओर से दोनों ही कक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट 30 मई तक घोषित किया जा सकता है। नतीजे जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से इसे चेक कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होने के बाद प्राप्त अंक ही अंतिम माने जाएंगे। सीबीएसई की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद आप निर्धारित स्टेप्स को फॉलो कर नतीजे चेक कर सकेंगे। पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं रिवैल्यूएशन रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.government.in पर जाना होगा और यहां परीक्षा संगम पोर्टल को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको स्कूल डिजिलॉकर एवं पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज और इसके बाद रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन पर क्लिक करना होगा। अब आप यहां से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके अलावा आप अन्य माध्यम के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको cbse.in पर जाना होगा और यहां सीबीएसई रिवैल्यूएशन ऑनलाइन पोर्टल लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको एप्लीकेशन नंबर एवं रोल नंबर दर्ज करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां से आप इसे चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि क्लास 12वीं के लिए रिवैल्यूएशन एप्लीकेशन 12 मई से 17 मई तक किया गए थे, वहीं कक्षा 10वीं में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 से 24 मई तक पूर्ण की गई थी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि जिन्होंने निर्धारित तिथियों में आवेदन किया था, रिजल्ट केवल उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित किया जाएगा। रिजल्ट से जुड़ी ताजा डिटेल के लिए छात्रों को समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।